morning everybody. I hope you all are safe and healthy at your home. So as you all know that we were doing lesson number 11, transportation in animals and plants. And in the previous video, I have explained about the circulation system in the heart. Means how the blood is circulated in all the parts of the heart. From left to the right and from right to the left. Now, by studying this, now we know that the heart contains the oxygen-rich blood in the left side and carbon dioxide-rich blood, or we can say deoxygenated blood, in the right side. Now, let us understand few important terms. The first one is heartbeat. Now, what is heartbeat? I have already told you that the heart pumps blood into our body. Heart हमारी body में blood को pump करता है. And for this pumping action, it contracts and relaxes. Pump blood जब ये blood pump होता है heart से, pump होता है तो heart क्या करता है? Contract होता है और relax होता है. तभी वो blood को पूरी body में pump करता है. So heartbeat is nothing but this the relaxation and contraction of the heart. जो ये heart contract और relax होता है तो sound produce होती है और उस sound को हम heartbeat कहते हैं. And that sound in scientific language is known as labda, जिसको हिंदी में हम धक धक कहते हैं. It's not धक धक but it's labda. Labda sound होता है जो heart produce करती है और जिसे heartbeat कहते हैं. Now the next term is stethoscope. Stethoscope सबको ही पता है क्या होता है, सबने देखा भी है. It is a very common device used by the doctors. Doctors आपने देखा होगा ear में लगाए रहते हैं and they use the stethoscope to hear the sound of your heartbeat. Heartbeat के sound को सुनने के लिए. तो stethoscope का क्या function है? It is used to amplify the sound of the heartbeat. वैसे आपको heartbeat सुनाई नहीं देगी. क्या हम heartbeat बहुत अच्छे से सुनाई दे सुन सकते हैं? No. So stethoscope is a device that amplifies. Amplifies means sound को बहुत ज़्यादा increase कर देता है, जिससे कि हार्टबीट इजीली सुनाई देती है. नेक्स्ट टर्म इज पल्स. पल्स क्या होता है? जैसे ही हार्ट ब्लड को आर्टरीज में सेंड करता है, हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज में टू गो टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो तब एक थ्रॉबिंग साउंड मीन्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फील होती है एंड विच इज नोन एज द पल्स. इसको हम पल्स कहते हैं. पल्स को आप मेजर भी कर सकते हैं. यहाँ पर डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, नॉर्मली क्या जो टू फिंगर्स हैं आपके राइट हैंड की, वो यहाँ लेफ्ट हैंड पे जो आपकी यहाँ वेन्स विजिबल होती हैं, ऐसे रख के वो वन मिनट तक आपकी जो पल्स है, मींस जब हार्ट आर्टरीज में ब्लड सेंड कर रहा है तो जो मूवमेंट हो रही है आपकी, उसी को पल्स कहते हैं. और वो हम यहाँ फील भी कर सकते हैं. आप अगर यहाँ पर ये टू फिंगर्स को, राइट हैंड की टू फिंगर्स को यहाँ लेफ्ट हैंड के यहाँ पर फील करेंगे तो आपको एक मूवमेंट फील होगी एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज द पल्स. अब पल्स और हार्टबीट रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि जब हार्ट बीट करता है तभी पल्स जनरेट होगी. जब ब्लड सेंड होगा, ब्लड हार्ट जब आर्टरीज में ब्लड सेंड करता है तभी पल्स क्रिएट होती है. और हार्ट ब्लड कब सेंड करता है? ऑब्वियसली जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तभी सेंड करता है ना. तो हार्ट बीट और पल्स रिलेटेड है. नाउ द लास्ट टर्म इज रेट ऑफ हार्ट बीट. रेट ऑफ हार्ट बीट और हार्ट रेट भी इसको हम कहते हैं. इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन अ मिनट. एक मिनट में आपका हार्ट कितने टाइम्स बीट कर रहा है, वो आपकी रेट ऑफ हार्ट बीट हो गई. अब नॉर्मली एक पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन है वो रेस्टिंग पोजीशन में है, तब अगर हम उसकी हार्ट बीट को या हार्ट रेट मेजर करें तो वो 72 to 80 मिनट्स
पर बीट होता है, मींस एक मिनट में आपका हार्ट, नॉर्मल इंसान का हार्ट 72 to 80 टाइम्स बीट करता है. ओके, एंड ऑब्वियसली द हार्ट बीट इंक्रीजेस व्हेन वी डू द फिजिकल एक्सरसाइजेस, रनिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे, या बहुत हार्ड लेबर वर्क करते हैं, हम भागते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ना, तो उस टाइम जो हमारी हार्ट, जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट बीट कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, एंड अबाउट दीज स्टेप्स. Now let's move to the next topic, that is the excretion in animals. Excretion कैसे होता है? Excretion का क्या process है? It is the process of removal of waste products from the body. Body में से जो waste products remove हो रहे हैं, it is done by the process of excretion. Now first understand the human excretory system. Human excretory system क्या है? It comprises of the 4 organs, that is 2 kidneys, 2 ureters, urinary bladder and a urethra. Human excretory system में 2 kidneys होती हैं, 2 ureters होते हैं, 1 urinary bladder होता है और 1 urethra होता है. Now जो human beings हैं, वो जो waste products, अच्छा waste products होते क्या हैं? We all know that हमारी body में बहुत सारी metabolic activities होती. अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी, हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट इफ दे रिमेन इन अवर बॉडी दे विल बी हार्मफुल टू अस, अगर वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हुए ठीक टाइम पे तो वो हमारी बॉडी को हार्म कॉज करेंगे. तो इसलिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूव होना ज़रूरी है, एंड दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये कुछ पार्ट्स हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, इनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं. अब ह्यूमंस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं, दे रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के फॉर्म में ह्यूमंस का वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होता है. फिशेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इट गेट्स रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स में अमोनिया होता है. एंड सिमिलरली बर्ड्स एंड लिजार्ड्स, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. Now let us understand the human excretory system with the help of this diagram. ये human excretory system का diagram है. यहाँ मैंने आपको बताया human excretory system में क्या होता है. 2 kidneys are there, ये 2 kidney हैं. 2 ureters are there, ये 2 pipe हैं. Pipe like structure, tube like structure जो ureters हैं. This is the urinary bladder which is a bag like structure and this is the urethra. Now what happens? हार्ट जब ब्लड पंप करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बन गए हमारी बॉडी में, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड के साथ किडनी के अंदर एंटर होते हैं. किडनीज में जब वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए तो क्या हुआ, ब्लड किडनी जो है मेन आपकी फिल्टरिंग यूनिट होती है. फिल्टरिंग यूनिट मीन्स किडनी ही ब्लड को फिल्टर करती है. ब्लड को फिल्टर करके जो क्लियर ब्लड है उसको वापस बॉडी में भेजती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको आगे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में सेंड करती है. अब किडनीज में भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल किडनीज के फंक्शनल यूनिट्स हम जिसको कहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज द नेफ्रॉन्स, उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं. नेफ्रॉन्स एंड lacks approximately 1.2 lakhs of nephrons are present in one kidney. एक किडनी में बहुत बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन जिनको फिल्टरिंग यूनिट्स कहते हैं. एंड ऑब्वियसली दिस यू विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन योर हायर क्लासेस. हायर क्लासेस में आप इसका भी फंक्शन, नेफ्रॉन का भी जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर दिस क्लास जस्ट आप ये समझ लीजिए कि किडनीज के अंदर फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और यही नेफ्रॉन्स हैं जो किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं. तो फिल्टर्ड ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो, ये आप लोग देख रहे हैं ये जो पाइप स्ट्रक्चर है, यूरेटर्स, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाते हैं. तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहाँ ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो गए, और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है एंड जब उसमें प्रेशर क्रिएट होता है तो
यूरेथ्रा के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये आपका पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किस तरीके से किडनीज वर्क करती हैं। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है ब्लड के साथ किडनीज में एंटर करता है। किडनीज में फंक्शनल यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन्स, जो ब्लड को फिल्टर करती हैं। फिल्टर्ड ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स सेपरेट आउट हुए हैं वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होते हैं। और जब यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। Now here I have written another term which is known as dialysis. Dialysis क्या होता है? Dialysis is the process in which when the kidneys present in the body stop functioning due to some illness or due to some kidney infection, then we have to remove the waste products artificially. अगर आपकी kidneys किसी की भी body में अगर kidneys खराब हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गया है किडनी में, किडनी फेल हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि किडनीज फेल हो गई है। किडनी का क्या काम था? किडनी का काम था वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना बॉडी में से, ब्लड को फिल्टर करके। अब वो काम हुआ नहीं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में ही रह गए। पर अभी मैंने आपको बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो अमोनिया और यूरिया है उनका हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रिमूव नहीं होंगे देन दे विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर अस। तो अब जब नेचुरली वो काम नहीं हो रहा है, किडनीज अपना वर्क नहीं कर रही हैं, तो आर्टिफिशियली वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है और उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में ये परफॉर्म किया जाता है, उसमें पूरा ब्लड आपका फिल्टर किया जाता है जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करके जो प्योर ब्लड है और फिल्टर्ड ब्लड है उसको वापस बॉडी में एंटर कराया जाता है। अब एक और प्रोसेस है, ये आपका एक प्रोसेस हो गया जिसमें यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हुआ। अब एक स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, पसीना आता है। जब आप लोग गर्मियों में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उस स्वेट में भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सॉल्ट्स के फॉर्म में होते हैं। तो एक स्वेटिंग भी एक हम कह सकते हैं एक तरीका है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करने का थ्रू द स्किन। स्किन से ही स्वेट बाहर निकलता है ना, तो स्किन भी एक ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है और स्वेटिंग के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्वेट उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये क्लियर है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस फिनिश हो गया है। बहुत ईजी प्रोसेस है, टफ नहीं है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Please go through the chapter and go through the video again if you are not clear with the concept. So this is all for today. Thank you and have a very nice day.